हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मेरी सुबह हो चुकी है रिद्धु के साथ और मैंने रिद्धु को रेडी करके रिद्धु का टिफ़िन बना दिया है और यहाँ पे रिद्धु नाश्ता कर रहा था अभी और रिद्धु को भेज दिया है मैंने। उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। मम्मी ने सब्जी काट दी थी, फिर मैंने बनाया तोरी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और बंडा की सब्जी। ये है बंडा और बताइएगा ज़रूर इसको आपके यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इसको बंडा कहते हैं। फिर मैंने बनाया, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। और फिर नाश्ता बना के आधा नाश्ता मैंने रोक रखा है अभी बनाने के लिए। फिर मैंने लगाया कान्हा जी को भोग। कान्हा जी को दोनों टाइम भोग लगाते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए नहा धो के ही किचन में जाती हूँ मैं। और फिर सोनू को मैंने नाश्ता दिया, वो नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस जाना है उनको अभी, और मैं उनके लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। नाश्ता करते टाइम ही वो नाश्ता करते टाइम आशी के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सुबह का टाइम उनका रहता है आशी के लिए। और फिर मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। उनको डॉक्टर ने घर का ही खाना खाने बोला है, इसलिए उनको टिफ़िन में डेली देती हूँ। उनको स्टमक में कुछ दिक्कत आई थी, इसलिए वो हेल्दी और घर का ही खाना डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, और वो अपना टिफ़िन घर पे ही भूल गए थे। फिर मैं उनको पीछे से गई हूँ देने के लिए। और ये देखिए, ये सब्ज़ी बन चुकी है और मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। और अब मैंने लगाई है मशीन, उसमें लगा रही हूँ मैं सब कपड़े। वैसे हमारे घर में कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आज थोड़े ही हैं तो एक ही राउंड में धुल जा रहे हैं। और कपड़े धोने के बाद यहाँ पे मम्मी याशी सो चुकी है और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। आशी सो के उठ गई हैं। आशी का पूजा में बहुत मन लगता है, वो मम्मी के साथ बैठी है पूजा करने के लिए। सिर्फ उसको देखिए, वो इतना इंटरेस्ट दिखाती है पूजा में। मम्मी के साथ बैठी है और यहाँ पे सीताराम कर रही है। और यहाँ पे गोलू को गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वो ऊपर से प्लांट लेके आई थी दिखाने के लिए कि इसमें कीड़े लग गए हैं। और देखिए कीड़े कितने बड़े हैं, अंदर होल कर करके घुस के पूरा पौधा बर्बाद कर दे रहे हैं। ये पौधा ग्रोथ करने से पहले ही ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे आया है मेरा पार्सल, जो कि मैंने खुद ऑर्डर नहीं किया था, मुझे किसी ने भेजा है। मेरे भाई के दोस्त ने स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स भेजी हैं मेरे लिए। अरे चॉकलेट का मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, बहुत आशी उसी में परेशान कर रही है, कभी इधर लुढ़क रही है कभी उधर लुढ़क रही है। ये देखिए चॉकलेट्स, और ये चॉकलेट्स वाकई बहुत टेस्टी थी। मैंने खोली, अभी तो रिद्धू घर पे नहीं था वरना वो तुरंत अटैक कर देता, परेशान कर देता। मैं इसको खोल भी नहीं पाती। और अभी पता चला कि मेरी मेड जो है, मेरी मेड का नाम है मीनू, तो मुझे पता चला कि मीनू नहीं आने वाली है। तो मैंने लगाया झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा। और नहा धो के मेरे से झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, फिर भी आज मजबूरी थी तो मुझे करना पड़ा। अब वो अगले 15 डेज तक नहीं आने वाली है, तो मुझे सुबह झाड़ू पोछा मैं कर दिया करूँगी। और अब मैं फ्री होके जा रही हूँ रिद्धू को लेने। यहाँ पे बारिश में थोड़ा सा कीचड़ हो गया है, गड्ढे हैं, उसमें बस नहीं आ पाती है। तो मैं जा रही हूँ रिद्धू को लेने के लिए, थोड़ा ही दूर जाना है, 100-200 मीटर पे। और मैं रिद्धू को लेके आ चुकी हूँ। रिद्धू बैठ के ये खेल रहा है इस पैकेट के साथ, जो पिट पुट करने वाला जो होता है पैकेट, और मुझसे पूछ रहा है कि इसमें क्या आया था। तो फिर मैंने उसको दिखाया और वो सरप्राइज हो गया, बहुत खुश है। और चॉकलेट उसको बहुत पसंद है, तो ये चॉकलेट देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया है। उसके बाद अब हो गई है रात और हम लोग डिनर कर चुके हैं। रिद्धू ने डिनर करते टाइम एकदम गंदगी मचा देता है, तो अब वो अपना टेबल साफ़ कर रहा है। टेबल चेयर सबके लिए बना था कुछ, और ये मेरे लिए और हिमांशु के लिए मैंने बनाया था खिचड़ी, हम लोग इसको तहरी बोलते हैं। और डिनर हो चुका है, बर्तन सब धो चुकी हूँ, मेरा पूरा किचन मैं साफ़ कर चुकी हूँ। जब वो मीनू नहीं आएगी इसलिए पूरा किचन रात में ही मैं साफ़ ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ बज गए हैं 12, ये दोनों मस्ती के मूड में हैं और ये दोनों मस्ती करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।